नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक हो रही है, बीजेपी विधि प्रकोष्ठ की ये बड़ी बैठक है। कांग्रेस के आरोपों और बयानों का कानूनी रूप से जवाब देने की रणनीति बताया जा रहा है कि इस बैठक में बन रही है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद हैं। कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस की निजी और झूठे कमेंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ अब लीगल एक्शन लेगा। बीजेपी में समन्वय को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने कवायद शुरू की है। न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये भविष्य के लिए आज से चुनावी साल में रणनीति की भाई कैसे काउंटर किया जाएगा, क्या कुछ और चल रहा है इस बैठक में, मंथन हो रहा है? देखिए प्रशांत, आज जो भाजपा की बैठक हुई है विधि प्रकोष्ठ की, उसमें ये तय हुआ है कि सोशल मीडिया और लगातार जितने भी प्लेटफॉर्म है इस पर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमले कर रही है और कोई ना इस तरह के मुद्दे उठा रही है, जिसको लेकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो लगातार अटैक कर रही है, प्रदेश अध्यक्ष हो या सीएम हो या सीएम का परिवार हो, तो इन सब मुद्दों को लेकर बैठक हुई है। और भाजपा के नेताओं ने तय किया है कि अब विधि प्रकोष्ठ इस तरह की कोई भी अगर बैठक होती है तो उस बैठक में को लीगल तरीके से देखा जाएगा और उस मुद्दे को रखा जाएगा कि अगर कांग्रेस कोई भी ऐसा हमला करती है जो झूठा है या गलत है तो उस पर सीधा अटैक करेगी और उसको विधिक रूप से हाईकोर्ट तक या कोर्ट तक भी ले जाएगी। और इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं लगातार उसकी भी स्क्रूटनी की गई है। पिछले 5-7 दिन में कांग्रेस ने कई बड़े मामलों में सवाल उठाए भाजपा और भाजपा नेताओं पर, तो इन सभी मुद्दों पर कुल समीक्षा की जा रही है और उसके बाद ये कहा गया है कि इनको अब लीगल रूप से को ले जाया जाए, इसमें FIR तक कराई जाए। और प्रदेश अध्यक्ष ने वीडी शर्मा ने ये भी कहा है कि इस तरह के कोई भी झूठे अगर आरोप हो तो पूरी सोशल मीडिया सेल और विधि प्रकोष्ठ भी इसमें लगातार जवाब दें। बिल्कुल, यानी बयानों से ही अब नहीं घेरेगी बीजेपी बल्कि कानूनी रूप से भी कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रही है।